बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा दौर जारी है। 15 अप्रैल से कास्ट सर्वे के दूसरे फेज का आगाज हुआ। इस बीच शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से एक आदेश आया, जिसमें स्कूल के सीनियर स्टूडेंट को जूनियर छात्रों को पढ़ाने के लिए कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्यालय के शिक्षक जाति सर्वेक्षण के काम में लगे हैं। ऐसे में स्कूलों का बुरा हाल है। बिहार तक ने अलग अलग जिलों के स्कूलों का सर्वे किया, वहां गए और ये देखने की कोशिश की कि स्कूल की स्थिति कैसी है और पढ़ाई पर कितना असर हुआ है। बिहार तक के संवाददाता आदित्य वैभव पहुंचे थे पटना के स्कूल। बिहार में जहां जातीय जनगणना में लगाए जाने के बाद शिक्षकों की काफ़ी कमी हो चुकी है सरकारी स्कूलों में, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही मामले में उम्मीद की किरण बनकर आए हैं ट्रेनी शिक्षक, जो अभी कई विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम अभी हैं मध्य विद्यालय पुनाईचक में और यहाँ पर अभी क्लासेस का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से क्लासेस ली जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रिंसिपल के कक्ष में ही बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं और ये एक ट्रेनी टीचर बताई गई हैं जो कि अभी यहाँ क्लास ले रही हैं टीचर्स के एब्सेंस में। इस पूरे मामले पर हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से और समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से ट्रेनी टीचर्स को यूटिलाइज किया जा रहा है और क्लासेस करवाई जा रही हैं। किस तरह से अभी ट्रेनी शिक्षकों से आप लोग किस तरह से काम करा रहे हैं और किस तरह से ये फील है? अभी मैक्सिमम शिक्षक जातीय जनगणना में गए हुए हैं, लेकिन संयोग से यहाँ कुछ बीएड कॉलेज से वहाँ के ट्रेनर आ करके यहाँ लेसन क्लास दे रहे हैं, जिससे विद्यालय के बच्चों को लेसन पढ़ाने के क्रम में हमारे पास जो शिक्षकों की जो भी कमी है उसकी भरपाई भी हो रही है। ये बहुत ही संयोग की बात है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के विद्यालय के प्रिंसिपल ने साफ तौर पर बताया कि प्रशिक्षु शिक्षकों से काफी फायदा हो रहा है ऐसे समय में जब खुद शिक्षकों की संख्या काफी कम है। पटना के बाद अब बेगूसराय लिए चलते हैं। यहाँ शिक्षक जातीय जनगणना में लगे हैं, वहीं विद्यालयों में ट्रेनिंग कर रहे शिक्षकों द्वारा स्कूली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बेगूसराय का ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय असुरारी भरौनी है, जहां 17 शिक्षकों में से 12 शिक्षकों को जातीय जनगणना में भेज दिया गया है। इस बीच 19 अप्रैल को बिहटा नगर परिषद के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें सीनियर क्लास के बच्चों से जूनियर क्लास के बच्चों को पूरे इलाके में पढ़ाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि असुरारी मध्य विद्यालय में बीएड के 10 और डीएलएड के 7 शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे में 17 शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया। बेगूसराय के बाद अब आपको छपरा के स्कूल का हाल बताते हैं। छपरा शहर के 2 विद्यालयों में जब इसकी रियलिटी चेक की गई तो जो वास्तविकता सामने आई उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि सरकार की नज़र में बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदेशवासियों की जाति की गिनती है। कन्या प्राथमिक विद्यालय छोटा तिलपा में जब इसकी पड़ताल की गई तो ये नज़र आया कि यहाँ विद्यालय वर्ग 1 से 5 तक हैं। कुल 6 शिक्षकों की यहाँ नियुक्ति है, जिनमें से 2 शिक्षकों को जातीय जनगणना में लगाया गया है, जबकि 2 शिक्षक रमजान के कारण छुट्टी पर थे। 1 शिक्षक विद्यालय के काम से कहीं गए थे। सिर्फ 1 शिक्षिका बच्चों को अलग अलग क्लास में जाकर पढ़ाने का काम करती नजर आई। छपरा शहर के दूसरे विद्यालय लोकमान्य उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में टीम पहुंची तो यह मालूम चला कि कुल नियुक्त 18 शिक्षकों में से 15 शिक्षकों को जातिगत जनगणना में लगाया गया है। फिलहाल क्लास 10वीं और 12वीं के बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। दोनों क्लास का 3-3 सेक्शन चल रहा है। यहाँ भी बच्चे की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य और अन्य 2 शिक्षक किसी तरह बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं। चले गए हैं जनगणना कार्य कर रहे हैं और हम लोग तीन गो शिक्षक और हम प्राचार्य बचे हुए हैं। हम 7 बजे से लेकर 10:30 तक हम पढ़ाई कराते हैं और हम 2-2 घंटे 1-1 घंटा का घंटी बनाकर हम लोग खूब मन से हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे से। हमारे यहाँ शिक्षक हैं 18। कितने लोग चले गए हैं जातीय जनगणना? 18 में 3 कम तो 15 चले गए। 15 टीचर चले गए? हाँ। कितने शिक्षक बचे? हाँ। छपरा के बाद अब आपको गया का हाल दिखाते हैं।
ये गया जिले का स्कूल है जहां प्रिंसिपल को छोड़ सभी शिक्षकों को जाति गिनने में लगा दिया गया है। स्कूल के शिक्षकों को जाति गणना में लगाने के बाद स्कूल के छात्र और छात्रा को बीएड की प्रशिक्षु छात्रा स्कूल में आकर बच्चों को पढ़ा रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके और स्कूल बंद नहीं करना पड़े। बिहार के अलग अलग जिलों में रियलिटी चेक से साफ हो गया है कि बिहार में सरकार के लिए जातियों की गिनती ज्यादा जरूरी है न कि बच्चों को पढ़ाई कराना। पटना से आदित्य वैभव के साथ, बेगूसराय से सौरभ कुमार, छपरा से आलोक जायसवाल और गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट बिहार तक।